चल भाई चल अब्दुल, तू किसकी राह देख रहा है? सोडा बना? हाँ हाँ बनाता हूँ। जेठा भाई को आने तो दो। अरे जेठा भाई आ जाएंगे, तू सोडा तो बना। हाँ? अरे आज की सोडा के वो मेन स्पॉन्सर है, उनको आ जाने दो। मेन स्पॉन्सर? हाँ उनका फोन आया था, अब्दुल आज जिसको भी जितना भी सोडा पीना है पीने दो, आज मेरी तरफ से। हाँ हाँ दोस्तों, आज तो मन मुकी ने पीछो। जेडलर किस गुजू में सोडा पार्टी दे रहे हो? अरे दुकान नहीं बन गई, नड्डू काका वापस आ गए, इसी खुशी में होगी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भीड़ है। अरे दुकान से धंधा करने का मजा ही कुछ अलग है। रोज नए नए कस्टमर लोग आते हैं, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन के नए नए पीस देखते हैं, उसमें से उनकी पसंद का पीस उनको मिल जाता है, तो वो खरीदी करने का जो आनंद उनके चेहरे पे तो देखने को मिलता है ना, वो उसका मजा अलग ही है। एक नटू काका की कमी थी वो भी आ गए, अभी सब सेट है, बस अभी किसी की नजर ना लगे। ओ जेडलल, तुमने ये मेरे तरफ देख कर क्यों बोला कि किसी की नजर ना लगे? आपने मुझे पूछा ना कि सोडा पार्टी किस खुशी में दे रहे हो, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। बस पार्टा ही रखा, चिंता मत करो जेठालाल, किसी की नजर नहीं लगेगी। हाँ भिड़े कुछ बोल नहीं सकते, जेठालाल की कुंडली के बारे में तो हम सब जानते हैं, आ बैल मुझे मार, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एकदम करेक्ट कहा पवड़लाल तुमने, जेठालाल का कुंडली और तुम्हारा शादी दोनों का कोई भरोसा नहीं है। ओ अय्यर भाई क्या बोल रहे? हाँ वो अय्यर भाई चुप चुप बोलो भाई, पोपड़लाल की शादी ठीक है? ठीक है क्या? ठीक है नहीं, मतलब तुम्हारी शादी कभी ना कभी किसी न किसी अच्छी लड़की से तो हो ही जाएगी। हाँ। मेरी दुकान तो कोरोना काल के बाद मुश्किल से मान मान शुरू हुई है भाई, अभी और कोई विघ्न नहीं आने चाहिए भाई, और कोई विघ्न चाहिए ही नहीं अभी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी दुकान अच्छे से चलेगी और तुम्हारी शादी भी जल्दी हो जाएगी। सॉरी, तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी और तुम्हारी दुकान भी अच्छे से चलेगी। हाँ ओ हाँ हाँ जेठाब्रा, वो जितनी तकलीफें आनी थी ना वो आके चली गई, वो आपसे सब चंगा होगा। वाह वाह छोटी वाह, देखा इसको कहते हैं सकारात्मक सोच। तुमने फिर से मेरे तरफ देख कर क्यों बोला? आप मेरे सामने बैठे तो नजर तो जाएगी ना, आपको इतना बुरा लग रहा था काम करो ना, उधर मुंह करके बैठ जाइए। क्या उस तरह मुंह करके बैठो, क्या बोल रहे तुम भी पपड़लाल? अरे यार तुम भी कहाँ सीरियस हो रहे हो, मजाक चल रहा है भाई। वैसे जेठाब्रा वो नई दुकान बन गई है, नट्टू काका भी आ गए, वो आप तो दुकान का धंधा जोरों शोरों से होगा। अरे ऐसा जोरों शोरों से होगा सुड़ी कि जेठा जल्दी करोड़पति बन जाएगा। जेठालाल तुम करोड़पति बन जाएगा तो गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ देगा नहीं? क्यों? अरे फिर तो 5 बेडरूम का सी फेसिंग फ्लैट में रहने चला जाएगा। तो मेरा फ्लैट तो अभी भी सी फेसिंग ही है। ओ वाह दादा वाह, क्या बात है जेठालाल। अरे समझ नहीं आया यार, अरे सी फेसिंग मतलब सीविंग सीविंग। बढ़िया नजारा है, क्यों क्यों छोड़ के जाऊंगा मैं। ओ जेठालाल मैं सीविंग नहीं, सी मतलब समुंदर का बात कर रहा था। हाँ नहीं मैं समझा वो यार भाई, लेकिन क्यों भाई क्यों छोड़ के जाऊंगा? अरे भगवान मुझे कितना भी पैसा वाला क्यों ना बनाए, मैं गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अरे गोकुलधाम सोसाइटी मेरा परिवार है, अपने परिवार को छोड़ के कोई जाता है भला? दिल खुश कर देता। जेठालाल मेरे को ना तुम्हारा एक चीज बहुत कटकता है। कौन सा? यही कि तुम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो आपको क्यों खटक रहा है? नहीं चाहे तुम मेरे जितना ऐसा पढ़ा लिखा होता ना तो बहुत आगे जाता। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो
ज्यादा से ज्यादा क्या होता, साइनिस्ट बन जाता, आपकी तरह कहीं नौकरी कर रहा होता। पर नौकरी में क्या, फिर आप एक जगह स्थगित हो जाते ना, खुद का धंधे में तो क्या है, सामने पूरा दरिया पड़ा है। आप में जितनी ताकत है, आप जितना मर्जी पानी उलेचो उसमें से। नहीं 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 जेठालाल, ये तो तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी तुम्हारा बिजनेस सेट हो गया। लेकिन अभी जमाना बदल गया है दोस्त, एजुकेशन बहुत जरूरी है। नौकरी हो या धंधा, अगर वक्त के साथ चलना है तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और पता है दोस्तों, अब तो उच्च शिक्षण आप मातृभाषा में भी ले सकते हो, इंग्लिश में लेना जरूरी नहीं है। सही बात है, शिक्षण चाहे कोई भी भाषा में हो पर पढ़ाई करना जरूरी है। एकदम करेक्ट बोला डॉक्टर आदित्य। सुना ना जेठालाल, मैंने तुमको देखकर बोला है। हाँ, आप मुझे देखो ना देखो, जो बात सही है वो मैं सुनता ही हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पढ़ाई जरूरी है भाई। लेकिन हाँ, पढ़ाई बोझ नहीं बननी चाहिए। अबे मैं जब मतलब गांव में पढ़ने जाता था, मेरे लिए तो पढ़ाई बहुत बोझ बन गई थी, क्योंकि हमारे जो शिक्षक थे ना, उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं था। मतलब तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट था? हाँ जेठा भाई, सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले थे, अच्छा पढ़ाते भी थे और साथ साथ में नई नई रेसिपी बना के खिलाते भी थे। खाने की बात हो गई ना, लो अब सोडा पियो। ये लो, ये लो भाई, ये लो भाई, ये आने आने, अरे 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 अरे, अरे अब एक, अरे सबसे पहले उनको देना था, उनको दिया ही नहीं ले। भिड़े भाई, चीयर्स भाई, चीयर्स। भिड़े भाई, वो इलेक्ट्रिशियन का पैसा दे दिया? नहीं, मैं कल उसकी दुकान जाके दे दूंगा। ओ पिड़ू, तू पैसे देने मत जा, तू इलेक्ट्रिशियन को सोसाइटी में बुला ले। क्यों? अरे मेरी डोरबेल खराब हो गई है, वो रिपेयर करानी है। ये गलत बात है भाई, सोड़ी। तू गलत है, डोरबेल तो चालू होनी चाहिए ना, कोई पार्सल वाला, कोई कोरियर वाला आएगा वो डोरबेल बजाएगा, वो डोरबेल नहीं बजेगी, उसको लगेगा घर पे कोई नहीं है, वो तो वापस चला जाएगा ना। नहीं, डोरबेल ठीक होनी चाहिए, लेकिन उसका पैसा सोसाइटी क्यों दे? अगर ऐसा है तो मेरे बेडरूम का कबाड़ भी ठीक करना है, उसके लिए भी कारपेंटर बोला, और उसका पैसा भी सोसाइटी देगी। ओए पप्पू, ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। ओए यार, मैंने तो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन को बुलाने को बोला है, वो पैसे तो मैं ही दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं कल कारपेंटर को बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं, ठीक है चलेगा, सिर्फ एक स्क्रू ढीला है। तो दिसला क्या 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 बोला? नहीं नहीं, अभी एक स्क्रू के लिए कारपेंटर को कहाँ बुलाओ ना, वो तो तुम कर ही लोगे। सॉरी, मैं कल बुलाता हूँ इलेक्ट्रिशियन को। थैंक यू जी। अच्छा यारो, मैं चलता हूँ। अरे अरे सॉरी, क्यों आज की इतना जल्दी? वो क्या है ना, आज रात मेरे दोस्त के यहाँ जगराता है, सुबह ही आऊंगा। ओह अच्छा, पूरी रात दोस्त के घर पे जगराता और डायरेक्ट सुबह आएगा तू? ओए रोशन भी साथ में है। तो फिर जगराते भी जा रहे हैं। चंगा यारो, सुबह मिलते। सोड़ी, मेरे लिए प्रसाद जरूर लाना। हा? ओ, हाँ हाँ आदिब्रा, वो सबके लिए लेकर आऊंगा। चंगा जी, सत श्री अकाल। आदि भाई, ये दूसरा सोडा। बाबा ये बाबा, चलो चले। चलो भाई, मुझे भी जल्दी सोना है, क्या अभी बच्चों के स्कूल शुरू हो गए ना, नया सिलेबस भी आया, तो बहुत सारा काम है। चलो चलते हैं, नई सुनहरी सुबह का इंतजार करते हैं। अब्दुल साहब, मेरे खाते में। थैंक यू जेठा भाई, अरे अरे थैंक यू।
अरे माधवी, कब से चाय बोलिए, दो तो सही। अहो व्यस्त शिक्षक महोदय, एक बार नजर उठा के ऊपर देखिए, कब की खड़ी हो चाय लेके। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, रख दो रख दो। ये क्या कर रही हो? टेबल पे जगह नहीं है ना, तो एक ही जगह दिखी मुझे। अरे हुशार यार, रख दो। ये क्या सुबह सुबह इतनी सारी किताबें खोल के बैठे आप? माधवी नया एकेडमिक ईयर शुरू हो गया है ना, और बच्चों के ऑफलाइन स्कूल भी शुरू हो गए हैं, तो सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या नए चैलेंजेस है, सब देखना पड़ेगा ना। अरे शिक्षक बनना आसान नहीं है। शिक्षक बनने के लिए पहले खुद पढ़ो, और शिक्षक बनने के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ते ही रहो। बाप रे कठिन जॉब है। तुम्हें पता है माधवी, एक शिक्षक का शिक्षक कौन होता है? नहीं कौन? उसकी पत्नी, जो हर पल उसे कुछ ना कुछ सिखाती रहती। ओ बाबा, खरे शिक्षक की पत्नी बनना आसान नहीं है, क्योंकि क्या है, शिक्षक अचानक हमारे जमाने में लेके जाता है। हर छोटी छोटी चीजों में कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, हर काम के मार्क्स नहीं देते लेकिन मूल्यांकन करते ही है। अरे माधवी, मैं क्या तुम्हारा मूल्यांकन करूंगा, तुम्हारी वजह से मेरा मूल्य बढ़ा है। सच कहूं माधवी तो मैं बहुत लकी हूं कि मुझे तुम पत्नी के रूप में मिली। खरत प्रूफ दो। आओ कैटरिस का कोई आ जाएगा। दरवाजा बंद करता हूँ। नहीं नहीं, अब पेमेंट लेने जाना है आपको आपके काम के। नहीं 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 माधवी, मैं आज पेमेंट लेने नहीं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। क्या है, आज बारिश रुकी है तो मुझे बाकी के सारे काम निपटाने। क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं है? नहीं नहीं, चाय तो अच्छी है। ए? मुझे अभी याद आया कि मुझे बाहर जाने से पहले सुविचा लिखना बाकी है। आहो, चाय तो शांति से पीजिए। नहीं नहीं माधवी, अभी इतना टाइम नहीं है। तो सुविचार के लिए क्या इतनी गाही करनी, और सुविचार ही तो है, रोज लिखना जरूरी थोड़ी है। नहीं 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 माधवी, जैसे शरीर की सफाई के लिए रोज नहाना जरूरी होता है ना, वैसे ही मन में आने वाले बुरे विचार की सफाई करने के लिए सुविचार जरूरी होता है। इंसान को रोज अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, एक अच्छा विचार आपका जीवन बदल सकता है। ये तो है। हाँ, इसलिए तो मैं रोज सुविचार लिखता हूँ। क्या है ना, एक छोटा सा सुविचार बड़ा बदलाव ला सकता है। अरे हमारे जमाने में लेट हो रहा है ना आपको। अरे हाँ। चलो चलो चलो। सारा कठिन है भैया लोग। अरे सुविचार लिखने आ तो गया मैं, लेकिन क्या सुविचार लिखूं, कुछ सूझ नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग विजय मास्टर। अरे गुड मॉर्निंग आदि भाई, गुड मॉर्निंग। पेड़ पर कुछ है क्या? नहीं नहीं, पेड़ पर कुछ नहीं है। तो फिर पेड़ को क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं, मैं पेड़ पर नहीं देख रहा था। क्या भीड़े मास्टर, अब भी मैंने देखा कि तुम पेड़ को देख रहे थे। नहीं नहीं, मतलब मेरी आंखें पेड़ पर थी लेकिन मेरी मन की आंखें कहीं और थी। भीड़े मास्टर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, कुछ समझ में आया ऐसे बोलो ना। अरे आती भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं क्या सुविचार लिखूं ये सोच रहा था। ओह अच्छा, था सोच रहे थे। ओके ओके। अरे वाह क्या बात है, बारिश के दिनों में भी योगा। अरे डॉक्टर आदि, आज बारिश नहीं था तो सोचा गार्डन में जाकर योगा करते हैं, एकदम फ्रेश एयर के साथ में। अरे वाह, मैं भी दांत जुबान और पेट की कसरत करके आया। दांत जुबान और पेट का कसरत मतलब? अरे नाश्ता करके आए वो। सही बात है। क्या हाथी भाई आप भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भिड़े, तूने सुविचार नहीं लिखा? आलसी हो गया तू आजकल। अरे पोपटलाल, मैं सुविचार लिखने ही नीचे आया हूँ भाई, सोच रहा था कि क्या सुविचार लिखूं। क्यों, सुविचार का स्टॉक खत्म हो गया?
रहने दे भाई, तुझे रोज इतना सोचना पड़ता है, तुझे नहीं जमेगा ये, तो इस्तीफा दे दे सेक्रेटरी पद से। ये यार का मानुस उपरला, सुबह सुबह इतनी एनर्जी कहाँ से आती है तुम में भाई? मैंने बोला ना, मुझे सूझ नहीं रहा है सुविचार। तुझे नहीं सूझ रहा है ना, आ जा मैं तुझे बढ़िया सुविचार बता दू। आइए आइए, आप लोग भी आइए। चला बो गया, आइए हाथी भाई। हाँ बोलो। लिखो, सुयोग्य कुंवारे युवक की शादी करवाने से बहुत पुण्य मिलता है। अगर आपके ध्यान में कोई सुयोग्य कुंवारी युवती हो तो इस नंबर पर तुरंत संपर्क करें और नीचे मेरा नंबर लिख दे। पोपटलाल, ये सुविचार नहीं, ये तू विचार है, तुम्हारा विचार है। फिर मैं यहाँ पे सुविचार लिखने आया, तुम क्या बोल रहे हो पोपटलाल? कुछ भी, ये ऐसे सब सोसाइटी बोर्ड पर नहीं लिख सकते। यहाँ पे सुविचार लिखने आता हूँ मैं, जाहिरात नहीं। सुबह सुबह भिड़े को चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। लिख 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 भाई, अभी तुझे एक बहुत बढ़िया और अच्छा सुविचार बताता हूँ, सीरियस लिख। दिल लगाकर ढूंढो लुगाई, जीतोगे जिंदगी की हर लड़ाई। वाह क्या बात है, ये तो मान गया। दिल लगाकर करो पढ़ाई, जीतोगे जिंदगी की हर लड़ाई। ग्रेट। भिड़ा ये क्या लिखा है, ये गलत है? यही सही है पोपटला, क्योंकि यही है सुविचार। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, अब 3500। आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 3500 3500 एपिसोड पूरे हुए। ये जो भी हुआ है, आप दर्शकों का प्यार, ईश्वर के आशीर्वाद है। हमारी पूरी टीम हमेशा मेहनत करती है, हर रोज मेहनत करती है कि बस आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। प्यारे दर्शकों, कल ही हम सब लोगों ने मिलके रथ यात्रा का उत्सव धाम-धूम से मनाया। रथ यात्रा आषाढ़ महीने के दूज को आता है। भगवान जगन्नाथ, जगत के नाथ भगवान जगदीश रथ में विराजते हैं और भक्त वो रथ को खींचते हैं और कहते हैं कि आने वाले दशमी तक, यानी आषाढ़ सुद दशम, ये 10 दिन तक भगवान रथ में विराजते हैं, नगर में घूमते हैं, गांव गांव घूमते हैं और अपने भक्त को मिलते हैं। तो इस पवित्र दिनों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 3500 3500 एपिसोड पूरा होना, ये हमारे सबके सौभाग्य की बात है। भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना है कि हमारा ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा का रथ ऐसे ही हंसी खुशी के साथ चलता रहे, आप दर्शकों का प्यार बना रहे। आप प्यारे दर्शक, जिसने हमको सबको प्यार दिया है, मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से मैं आपको वंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आप हमेशा हंसते रहे, खुश रहे, मस्त रहे और देखते रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भगवान का जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम है। 3500 एपिसोड और 14 साल कंप्लीट होंगे। थैंक यू मालो, हर्षद, पूरी टीम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सोहिल, जतिन, कुणाल, ये सब लोग, कुणाल और कुणाल की पूरी टीम, बाबा, विशाल, सब लोग 24 घंटा शूटिंग खत्म होने के बाद भी काम पे लगे रहते हैं। 3500 एपिसोड हैप्पी हुर्रे। आइए कल के त्योहार, यानी कि कल के एपिसोड में मिलते हैं, हंसते हंसाते हैं, जहां आपके त्योहार हंसते हंसाते मनाएंगे और कहेंगे देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।